सब्सक्राइब कीजिए टेक नंबर वन चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक नंबर वन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिंपल और बोरिंग स्मार्टफोन को कैसे स्मार्ट बना सकते हो फ्रेंड और आकर्षक बना सकते हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें फ्रेंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना फ़ोन दिखा देता हूँ। ये अभी बिल्कुल सिंपल है, हम इसको आकर्षक और स्मार्ट बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओपन हो जाएगा फ्रेंड। आप यूजी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड, गो टू डाउनलोड पेज के नाम से। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो इसको डाउनलोड के लिए करना है आपको। तो गो टू डाउनलोड पेज पे क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एपीके, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें ऐड भी आते हैं तो आपको ऐड हटा देना है फ्रेंड। तो आपको डबल से क्लिक करना है तो ये डाउनलोड के लिए आ जाएगा फ्रेंड। तो इसको डाउनलोड करके आपको इसे इंस्टॉल करना है, 13 MB की ऐप है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड, आपके फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा फ्रेंड। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको होम स्क्रीन एंड रिसेंट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप कोई अदर फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें होम के नाम से भी रहता है तो आप ढूंढ लीजिएगा फ्रेंड। आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट लॉन्चर सेलेक्ट कर देना है फ्रेंड और आपके होम की दबा देना है अपने फ़ोन की। तो ये हमारा लॉन्चर सेलेक्ट हो गया फ्रेंड। अब हमको करना क्या होगा, इसमें बहुत सी सेटिंग्स है फ्रेंड, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक थीम्स का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड आपको, थीम्स के लिए। उससे पहले आपको एक डाउनलोड करना है फ्रेंड्स फाइल, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप, मैं बता देता हूँ आपको फ्रेंड, प्ले स्टोर में जाना है आपको। प्ले स्टोर में सर्च करना है लव क्रिस्टल नेक्स्ट 3D थीम, इसको आपको इंस्टॉल करना है फ्रेंड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर थीम का ऑप्शन दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको माइन का ऑप्शन मिल रहा है, माइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये क्रिस्टल है इसको क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ये यूजिंग की जगह हमने यूज़ कर रखा है तो आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये थीम सिलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। फिर आपको करना क्या है फ्रेंड, अपने फ़ोन को ऊपर की तरफ करना होगा फ्रेंड आपको, स्लाइड ये ऊपर करना है। तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पर वॉलपेपर आएगा फ्रेंड, फिर ये नेक्स्ट वॉलपेपर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ये क्रिस्टल का वॉलपेपर सिलेक्ट कर देना है फ्रेंड। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो इसे आप और कोई भी वॉलपेपर रख सकते हो फ्रेंड। तो अभी हम ये कैसे कर रहे हैं फ्रेंड, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर से आपको अपने फ़ोन को ऊपर करना है फ्रेंड, यहाँ पर नेविगेशन को, फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक इफेक्ट सेटिंग दिखा होगा फ्रेंड, ये इफेक्ट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको ऊपर आ जाना है। फिर आपको ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड कि आप कैसा रिडम चाहते हैं फ्रेंड, तो आपके फ़ोन में कैसे क्या होगा फ्रेंड, वो ऑप्शन कैसे चलेंगे मेन्यू। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। तो ये देखिए, हर बार अलग अलग चलेगा फ्रेंड। इसका और भी ऑप्शन है फ्रेंड, तो आपको वो भी देख लीजिए। वापस से आपको स्लाइड अप करना है, फिर आपको प्रेफरेंसेस में जाना है, फिर आपको यहाँ पर स्विच टू 3D मोड दिख रहा होगा फ्रेंड, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है, फिर आपको बैक आ जाना है। तो अभी हमारा 3D मोड सिलेक्ट हो गया है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं। अब हम मेन्यू खोलेंगे, देखना फ्रेंड, तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेंड, आप इसे कोई और थीम भी रख सकते हैं, इसमें बहुत सारी थीम्स मिल जाएगी आपको फ्रेंड।
वापस से आपको स्लाइड अप करना है। अगर वो इस उसी में जाना चाहते हैं फ्रेंड आप पुराने वाले वर्जन में आपके 2D मोड में, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड आपको ये बॉल का, इस बॉल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप स्विच टू 2D मोड पे क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है तो आपका वही मोड आ जाएगा फ्रेंड। तो आप ऐसे ही, इसमें बहुत सी सेटिंग्स है फ्रेंड प्रेफरेंसेस में, इफेक्ट में, फिर आपको थंब स्नैप दिख रहा हो फ्रेंड, फिर यहाँ पर आपको स्नो वगैरह कुछ भी रख सकते हैं फ्रेंड। जैसे अब हम क्लिक कर रहे हैं स्पार्क रख लेते हैं फ्रेंड, तो अब हम यहाँ मेन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो आप ये कुछ इफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये इससे थोड़ा बेटर लुक मिलेगा फ्रेंड फ़ोन को। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।